सही टाइम के साथ सही चेंज, इस बात का एक गुड एग्जांपल है टाटा मोटर्स। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ये तो आपको आगे समझ आएगा जब मैं आपको दिखाऊंगा ये कार। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय YouTube चैनल ऑटो गीक ग्रुप। एंड आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ द ऑल न्यू टाटा सफारी रेड डार्क एडिशन। सो टाटा मोटर्स ने कर दिया है अपने सफारी को अपडेट, कुछ ऐसे चेंजेस अब इसमें आ गए जो शायद आपने इससे पहले किसी टाटा मोटर्स की कार में नहीं देखे थे एंड जिसका बहुत टाइम से कस्टमर्स को वेट था। तो क्या कुछ ऐसे नए फीचर्स आ गए हैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा, एक डिटेल वॉक अराउंड में आपको दूंगा, उसके बाद आपको लेके चलूंगा एक प्रैक्टिकल ड्राइव पे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, आज का रिव्यू इस ऑल न्यू टाटा सफारी रेड डार्क एडिशन के साथ। सो दिस इज द ऑल न्यू टाटा सफारी रेड डार्क एडिशन इन फ्रंट ऑफ मी। सो डार्क एडिशन के बाद टाटा मोटर्स लेके आ गई है रेड डार्क एडिशन। एक्सटीरियर में ऐसा कुछ मेजर चेंजेस आपको नहीं दिखाई देंगे, इंटीरियर्स में ज्यादा है तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक्सटीरियर्स में कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस आपको दिखाई देंगे तो मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। एंड यस, एक दो चीजें हैं जिसमें एड ऑन की गई हैं। तो फ्रंट की मैं बात करूँ तो लुक वही है, डिजाइन एलिमेंट्स वही है। तो सी यहाँ पे आपको DRLs मिल जाते हैं जो एज यूजुअल हम देखते आए हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप मिल जाता है विद फॉग लैम्प्स एंड इसी फॉग लैम्प में आपको मिल जाता है कॉर्नरिंग फंक्शन भी। ओके, फ्रंट ग्रिल की मैं बात करूँ तो पियानो ब्लैक फिनिश में आपको फ्रंट ग्रिल मिल जाती है। टाटा मोटर्स का जो लोगो है वो आपको ब्लैक फिनिश में मिल जाता है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फ्रंट पार्किंग कैमरा, सिर्फ इतना ही नहीं यहाँ देख रहे हैं रेडार, दैट मीन्स 360 डिग्री सराउंड कैमरा व्यू। एंड यहाँ पे दैट मीन्स एडास के फीचर्स अब इसमें दे दिए गए हैं। क्या कुछ है उसकी बात बाद में करेंगे। एंड जो एक चेंज आपको दिखाई देगा इस रेड डार्क एडिशन में जो बताएगा कि रेड डार्क एडिशन है वो है ये सी फ्रंट ग्रिल ट्राई एरो डिजाइन के साथ आती है। तो उसमें से एक एरो पे आपको ये रेड एलिमेंट दिखाई देगा। सो फ्रंट में आपको यही कुछ चीजें मिलेंगी। कमिंग टू दी साइड की साइड में क्या कुछ चीजें हैं तो उसी साइड में ऐसा कुछ मेजर आपको एविडेंट चेंजेस तो नजर नहीं आएंगे, बट जो कुछ है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। सी अब यहाँ पे जो डार्क की बैजिंग थी ना फेंडर पे वो रेड कलर में आपको मिल जाएगी। एंड मैं बात करूँ व्हील्स की तो यहाँ पे आपको 18 इंचेस के व्हील्स मिलेंगे। एंड जो एक चेंज है वो है ये ब्रेक कैलिपर, दैट मीन्स वो अब रेड फिनिश में आपको मिल जाएंगे। एंड ये आपको बताएगा कि ये है रेड डार्क एडिशन वाली सफारी। सो अब बात करता हूँ रियर में कि रियर में क्या सीन है। ओके, तो यहाँ पे आपको जो टाटा का लोगो है वो आपको ब्लैक फिनिश में मिल जाएगा। यहाँ पे पूरा पियानो ब्लैक फिनिश आपको मिल जाएगा। एंड एज यूजुअल जो लोडेड फीचर्स के साथ ये आती है वो सब आपको यहाँ मिलने वाले, दैट मीन्स रिवर्स पार्किंग कैमरा, रियर वाइपर, डिफॉगर एंड यस शार्क फिन एंटीना अब इसमें ऊपर दे दिया गया है। सो दिस इज अ थिंग। एंड यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और जो स्पेयर टायर है वो आपको यहाँ लगा हुआ मिल जाएगा। सो ये कुछ था इस टाटा सफारी रेड डार्क एडिशन के एक्सटीरियर्स के बारे में। और अब टाइम है असली चीज दिखाने का, इंटीरियर्स में जाने का। तो एज सून एज यू विल ओपन द डोर, जो बिग चेंज आपको दिखाई देगा इसकी पूरे रेड डार्क एडिशन में वो है ये। अब आपको इसमें जो थीम मिलती है वो एक्विसिट कार्मेलियन रेड जो एक थीम है पूरी ओवरऑल वो आपको सीट में मिलेगी। एंड मेरी जो ओपिनियन है बहुत तगड़ी लग रही है, कूल एंड स्पोर्टी एक फील, एक वाइब अलग है इसकी। ओके, एंड ड्राइवर सीट आती है वेंटिलेशन एंड सीट मेमोरी फंक्शन के साथ। एंड यस, मैं ये बता ही रहा हूँ तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। अब आपको इसमें जो बॉस मोड पहले आता था सफारी में, अब आपको इसमें इलेक्ट्रिक बॉस मोड मिलेगा, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। ओके, एंड इसके अलावा क्या कुछ चेंज है मैं आपको वो दिखाता हूँ। सबसे पहले चेंज सी लेआउट वगैरह सेम है, एज सच कुछ एलिमेंट्स चेंज नहीं किए गए, बट कुछ फीचर्स एड ऑन कर दिए गए हैं तो वो काफ़ी ज़बरदस्त है। एंड वो आपको इससे पहले देखने को नहीं मिले होंगे किसी भी टाटा मोटर्स की कार में, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ओके, तो डैशबोर्ड वगैरह की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको कुछ ये स्टील ब्लैक फिनिश काइंड ऑफ थिंग मिल जाती है। तो अब मैं सबसे पहले बात करूँ स्टीयरिंग व्हील की। ओके, सो स्टीयरिंग व्हील आपको जैसा हम देखते आए वैसा ही मिलेगा, बिग लुकिंग स्टीयरिंग व्हील, फ्लैट बॉटम नहीं है, पियानो ब्लैक फिनिश है। बट एक चीज़ डेफिनेटली है, जो लेदर का टच एंड फील है ना वो मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। एंड यहाँ पे टाटा का लोगो आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगा। एंड मेरी एक ओपिनियन है इसमें, अगर ये जो लेदर की स्टिचिंग है ना, अगर ये भी रेड कलर में होती ना तो और भी बेटर हो जाता, ये रेड डार्क एडिशन के साथ एकदम वो मैच हो जाता। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट बिग चेंज या बिग अपडेट मैं बोलूँ जो आपको सफारी में मिलेगा, वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। कंप्लीटली रीडिजाइन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इसमें मिलेगा। नाउ कमिंग टू द सेंटर कंसोल,
यहाँ पे अनदर बिग चेंज जिसका बहुत टाइम से वेट था लोगों को, दिस 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ठीक है, पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गया, काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हो गया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। सी, सबसे पहले साइज़ बड़ा हो गया, वो अच्छी चीज़ है। उसके बाद टच रिस्पॉन्स काफ़ी फ्लूइडिक है। सी, स्क्रीन का रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो ये बहुत अच्छा किया टाटा मोटर्स ने। मैं आता हूँ मेन मेन्यू पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है। सी, सबसे पहली चीज़, यहाँ पे आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस मिल जाता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको कोई वायर लेके घूमने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब आपको उसका नेक्स्ट फीचर भी दिखा देता हूँ जो एक बिग अपडेट है, दैट मीन्स सराउंड व्यू, ठीक है। सराउंड व्यू पे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं, एक तो पूरा आपको ये फ्रंट का व्यू आ रहा है एंड ऊपर से आपको सराउंड व्यू मिल रहा है, एंड आप मल्टीपल एंगल्स में जिस एंगल पे देखना चाहते हैं वहाँ से आप इसमें देख सकते हैं डेफिनेटली। ओके, ये चीज़ है, एंड इतना ही नहीं 3D मोड भी आपको मिलता है। एंड सी, ये पहले खुद ऐसे घूमता है, उसके बाद यू कैन सी एनीवेयर। एंड आई मस्ट से टाटा मोटर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, कैमरा क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, मैं फ्रैंकली बोलूं, बहुत ज़बरदस्त कैमरा क्वालिटी इसमें आपको मिलेगी। नीचे आपको एसी के सारे कंट्रोल्स मिलेंगे, फिजिकल कंट्रोल्स मिलेंगे, ये अच्छी चीज़ है, कुछ हटाया नहीं गया क्योंकि ये बाकी काफ़ी कन्वीनियंट रहते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पे मिल जाती है वायरलेस मोबाइल चार्जिंग, जो कि बहुत सही काम करता है डेफिनेटली, एंड चार्जिंग स्पीड वगैरह सही है, एंड प्लेसमेंट भी सही है। एंड उसके नीचे आपको यहाँ पे मिल जाता है एक USB पोर्ट, ठीक है, नॉर्मली एक USB A पोर्ट मिल जाता है। देन यहाँ पे टेरेन मोड्स के जो हमेशा से देखते हैं वो मैंने, कुछ चेंज नहीं है यहाँ पे, जो रेड ट्रीटमेंट्स आपको वो यहाँ भी मिल जाएगा। उसके बाद कमिंग हेयर, यहाँ पे आपको 6-speed टॉक कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है, मैनुअल भी आता है, तो ये एक चीज़ है। इसमें वैसे कुछ चेंज नहीं है, पूरे जो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश है वो आपको हर जगह इसमें मिलेगी रेड डार्क एडिशन में। यहाँ पे कप होल्डर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाती है एक आर्म रेस्ट जो कि एडजस्टेबल नहीं है, एंड इसमें पड़ा है बहुत सारा, 50 रुपये ही पड़े हैं खैर, ठीक है। तो स्पेस अच्छी खासी है, मैंने भर भर के सामान इसमें रखा हुआ है। एंड नाउ आई एम इन द मिडिल रो ऑफ द टाटा सफारी रेड डार्क एडिशन, एंड जो ये वेरिएंट मेरे पास है ये 6-seater वाला है, इसमें आपको 7-seater भी मिलती है, बट इसमें आपको ये बकेट सीट्स मिल जाएंगी। एंड यहाँ पे आपको आपको क्या क्या मिलता है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। सबसे पहली चीज़, आपको इंडिविजुअल आर्मरेस्ट मिल जाते हैं, एंड आप इस सीट को इंडिविजुअली एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एंड इतना ही नहीं, जो ये मिडिल रो की सीट्स है इसमें आपको मिल जाता है सीट वेंटिलेशन का फीचर भी, एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको मिलता है ये हेड रेस्ट एक्सटेंडर काइंड ऑफ थिंग, जो कि आपके कन्वीनियंस और कम्फर्ट को और बढ़ाता है ड्यूरिंग द ट्रैवल। एंड नाउ आई एम इन द थर्ड रो, यहाँ क्या क्या चीजें ऑफर होती है आपको वो दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आपको मिल जाता है एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3-pointer सीट बेल्ट फॉर बोथ द पैसेंजर्स, एंड इतना ही नहीं इंडिविजुअल चार्जिंग मतलब USB पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ भी सी टाइप, नॉर्मल USB A टाइप मिल जाता है, दैट मीन्स इस कार में टोटल आपको 7 USB पोर्ट्स मिलते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं कम्फर्ट की, तो ट्रस्ट मी कम्फर्ट काफी सही है, मतलब बींग 3-row कार उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा कंफर्ट है। मैं आप देख सकते हैं आगे वाली सीट मेरे कंफर्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट थी, एंड मेरी हाइट अराउंड 6'5" 6'6" 6'7" है, ठीक है। उसके बाद भी आप नी रूम देखो, एम्पल ऑफ नी रूम है, एंड लेग रूम भी आपको सफिशिएंट मिल जाता है, डिसेंट मिल जाता है। मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ही ज़्यादा आप फैल के बैठोगे, ऐसा नहीं है, बट डिसेंट इनफ मिल जाता है कि आप थोड़े लॉन्ग ड्राइव पे भी इसमें ट्रैवल कर सकते हो। तो स्पेस यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छा किया गया, ऑल दो अंडर थाई सपोर्ट मैं बोलूँगा डिसेंट है, एवरेज बोलूँगा, वो आपको थोड़ा सा कम लग सकता है अगर आपकी हाइट 6 feet से ज़्यादा है, तो अदरवाइज वो भी आपको डिसेंट लगेगा। सो नाउ आई एम ड्राइविंग द ऑल न्यू टाटा सफारी रेड डार्क एडिशन, एंड अब बात कर लेते हैं ड्राइविंग में कैसी है, क्या कुछ सीन है, कुछ चेंज हुआ है या नहीं। सो सी टेक्निकली मैं बात करूँ तो स्पेसिफिकेशन सेम है, कुछ टेक्निकली चेंज नहीं हुआ है, ओके, बट हाँ जो अब ये BS6 फेस 2 आया है तो वो अब इसमें इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो उसकी वजह से क्या कुछ फ़र्क है या नहीं है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो सी इसमें आपको मिलता है 2-liter का क्रायोटेक टर्बो चार्ज डीजल इंजन, ओके, 4-cylinder इंजन है जो कि प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम पावर 170 PS की, एंड जो मैक्सिमम टॉर्क ये निकालता है वो है अराउंड 350 Nm का, ओके। तो ये हो गई कुछ स्पेसिफिकेशन जो पहले भी आती है सफारी में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के फर्स्ट सेगमेंट की, दैट इज परफॉर्मेंस। तो सी पावर वगैरह कभी भी ऐसा कुछ
कमी नहीं रही है सफारी में हमेशा से, पावर आपको सफिशिएंट मिलती है इसमें, कहीं पर लैक ऑफ पावर फील नहीं होता। आपको ओवरटेक्स करने हैं तो आप आराम से कर पाओगे। फॉर एग्जांपल वो कार जा रही है, मेरी कार अभी 89 पे थी, मैंने थ्रॉटल एक्सेलरेशन किया, आई गॉट द पावर, सी। तो आपको पावर वगैरह की कुछ कमी फील नहीं होगी डेफिनेटली। अब सी 108 पे है, मैंने एक्सेलरेशन पेडल प्रेस किया, आई गॉट द पावर, ओवरटेक कर लिया एंड कार आराम से 120 की स्पीड तक चली गई। जो रोज की लाइफ में आपको चीजें मिलती हैं वो आप आराम से कर पाओगे। हाईवेज पे आप चलाओगे तब भी आपको कोई इश्यू इसमें नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि BS6 फेस 2 आ गया तो उसमें क्या कुछ चेंजेस हैं या नहीं है। तो सी फेस 2 के बाद आई मस्ट से जो इंजन है मुझे थोड़ा सा रिफाइन लग रहा है पहले से। नॉइजी थोड़ा कम हो गया, ऐसा नहीं है बिल्कुल साइलेंट है, डीजल इंजन है ऑब्वियसली, बट स्टिल पहले से काफी ज्यादा रिफाइंड है। कमिंग टू दी ट्रांसमिशन, इसमें आपको 6-speed टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स मिलता है ऑटोमेटिक वेरियंट में, ड्राइव कर रहा हूँ ओके। एंड मुझे इसमें भी थोड़ी इंप्रूवमेंट लगी है, डेफिनेटली लगी है। जो गियर शिफ्टिंग का फील है ओवरऑल, जो गियर शिफ्टिंग है उसमें काफ़ी रिफाइनमेंट मुझे फील हो रही है ओके। एक तो गियर शिफ्टिंग का फील ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया, मैं ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं बट ना के बराबर है। जर्क्स वगैरह तो आपको बिल्कुल नहीं लगेंगे गियर शिफ्टिंग में ओके। तो ये सीन है। एंड आफ्टर दैट कमिंग टू दी स्टीयरिंग व्हील परफॉर्मेंस, सो स्टीयरिंग व्हील सी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब आप इसे लोअर स्पीड्स में चलाएंगे ओके, पार्किंग स्पीड्स में चलाएंगे तो आपको थोड़ा हैवी फील होगा। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील इसमें आता है तो आपको थोड़ा हैवी फील होगा, बट द थिंग इज जब आप इसे हायर स्पीड्स में लेके जाएंगे लाइक दिस 80, 90, 100 तो ये आपको लाइट फील होगा, बल्कि होना उल्टा चाहिए कि हायर स्पीड्स में थोड़ा वेट आ जाना चाहिए। उसके अलावा मैं बात करूँ हैंडलिंग की या रिस्पॉन्स की तो उस पर मुझे कोई इश्यू नहीं लगा। अभी 95 पे चल रही है, सी इंडिकेटर दिया, सी पीछे खाली है बाय द वे इसलिए मैं कर रहा हूँ, सी अभी लेन चेंज करूँगा, इंडिकेटर दिया 101 पे है, सी तो रिस्पॉन्स अच्छा है, फीडबैक अच्छा है। एंड अगर मैं बात करूँ सस्पेंशन की तो सस्पेंशन थोड़ी आपको स्टिफर साइड में मिलेगी, जो नॉर्मली अगर आप रोड्स पे चलते हैं जो रोड्स के एंडुलेशंस होती हैं उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उसका आपको मिलेगा। बट मैं बात करूँ कि ऐसे गड्ढों वगैरह में से स्पीड ब्रेकर में से क्या है रिस्पॉन्स क्या है, तो सी अगर आप आराम से निकालेंगे जैसे मैं अभी, सी अभी ब्रेकर और गड्ढे दोनों साथ हैं, सी अगर आप ऐसे स्लो डाउन करके आराम से निकालेंगे तो आपको रिस्पॉन्स सही अच्छा मिलेगा, आपका कंफर्ट नहीं बिगड़ेगा, आपको जर्क्स वगैरह ज़्यादा फील नहीं होंगे अंदर। सो दिस इज़ अबाउट दी परफॉर्मेंस। एंड नेक्स्ट मैं बात करूँ नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस की, तो सी नॉइज़ की मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ, जो बाहर की आवाज़ें ट्रैफिक वगैरह की ठीक है, उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आवाज़ें अंदर आती हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पिन ड्रॉप साइलेंस है ओके। इस मामले में मुझे ऐसा कुछ इशू नज़र नहीं आया ओके। एंड उसके बाद मैं बात करूँ इंटीरियर नॉइजेस की, तो जो ये पैनल्स है डोर का ये वाला पार्ट है यहाँ से कुछ आवाज़ें हैं या नहीं, तो ऐसा कुछ नॉइजेस नहीं है, बट इस वाले एरिया से IP या डैशबोर्ड जो मैं बोलूँ इसे, यहाँ से कुछ कई बार चू 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 की आवाज़ हल्की बहुत आती है ठीक है, नॉट ऑलवेज बट आपको वो कई बार फील हो जाएगी। एंड मैं बात करूँ वाइब्रेशंस की तो वो भी मुझे काफ़ी हद तक लगा है कि काफ़ी कम हुई है वाइब्रेशंस। सी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपको फील नहीं होता, डीजल इंजन है ऑब्वियसली वाइब्रेशंस हैं, बट वो उतनी नहीं है कि आपको मतलब अलग से पता लगे या कुछ डिसकम्फर्ट फील हो, डेफिनेटली वो वाली चीज़ नहीं मिलेगी। एंड उसके बाद मैं बात करूँ ड्राइविंग कम्फर्ट की, तो सी कम्फर्ट के मामले में सफारी हमेशा से एक अच्छा ऑप्शन रही है। एंड ड्राइविंग सीट की बात करूँ ठीक है, कम्फर्ट अच्छा है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपकी हाइट 6 feet से ज़्यादा है तो शायद आपको लगे कि अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा और इम्प्रूव होना चाहिए था। उसके बाद मैं बात करूँ इसमें रीचेबिलिटी की, तो कोई इशू नहीं है, सब कुछ रीच में। एक चीज़ है जो मैं हमेशा बोलता हूँ टाटा मोटर्स की, जो भी कार मैं चलाता हूँ, जो साइड हुआ OVM से कंट्रोल है, ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है वहाँ पे। अगर आप ऐसे आराम से बैठे, आपको थोड़ा आगे होना पड़ेगा इसको, मतलब अगर आपको कंट्रोल करना है साइड ओवर OVMs की पोजीशन वगैरह, तो ये चीज़ है। उसके बाद मैं बात करूँ विजिबिलिटी की, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, बोनट आपको नज़र आता है। अच्छी चीज़ ये है बोनट की, मतलब एंड टू एंड बोनट पूरा नज़र आता है ठीक है,
इधर का एंड पूरा नजर आता है, तो जज करने में काफी इजी होता है। एंड यस, आपके ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस को थोड़ा और एनहांस करने के लिए आपको इसमें एडास के फीचर्स दे देंगे। हालांकि वो फुल एडास नहीं है, आपको इसमें एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा डेफिनेटली, आपको स्टीयरिंग असिस्ट नहीं मिलेगा। ओके, आपको ये है कि अगर सीआईवी अगर आप लेन से बाहर जाओगे वहाँ लेन डिपार्चर वार्निंग ज़रूर आ जाएगी अलार्म के साथ, वहाँ दिखा भी देगा, बट वो ऐसा नहीं कि स्टीयरिंग असिस्ट करेगा खुद लेन में आने के लिए, वो सब चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। आपको इसमें फ्रंट कोलिजन वार्निंग आ गई, फ्रंट कोलिजन वार्निंग आई एंड ब्रेकिंग भी कार खुद कर लेती है, ये चीज़ अच्छी है, थोड़ा स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। एंड इन केस आप तब भी ना रुके तो एमरजेंसी ब्रेकिंग का कैपेबिलिटी भी कार रखती है, तो ये एडास के फीचर है। एंड सी, पीछे से कार आ रही है वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट नोटिफिकेशन आ जाती है, तो वो एक चीज़ है इसमें, वो दी गई है। एंड नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज़ फ्यूल इकोनॉमी। मैं इसे खैर मिक्स चला रहा हूँ, सिटी में भी चला रहा हूँ, हाईवे भी चला रहा हूँ, ट्रैफिक में भी चला रहा हूँ, तो मुझे जो इसने फ्यूल एफिशिएंसी दी है वो अराउंड 9 से लेके 12 तक दी है, डिपेंडिंग कि आप एक तो कार कैसे चलाते हैं, सॉफ्ट एक्सीलरेशन या हार्ड एक्सीलरेशन, और कितना ट्रैफिक है जहाँ पे आप चला रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ट्रैफिक में भी चलाई है, मुझे मिनिमम इसमें 9 की मिली है, एंड मैक्सिमम जब मैं हाईवेज पे लेके निकला हूँ फिलहाल तो मुझे 12.5 की इसने दी है। एंड अब बात कर लेते हैं वर्डिट की, एक कंक्लूजन की। सो हियर वी गो, सो दिस इज ऑल अबाउट दी ऑल न्यू टाटा सफारी रेड डार्क एडिशन। एंड अब बात कर लेते हैं वर्डिट की, मेरी क्या ओपिनियन है इस न्यू रेड डार्क एडिशन के बारे में। सो सी, एक बात तो पक्की है, जो इस रेड डार्क एडिशन का वाइब है ना, स्पेशली इंटीरियर से, वो एक अलग लेवल का है। इस अगर मैं कंपेयर करूँ इसके बाकी जो स्पेशल एडिशन आते हैं, मुझे पर्सनली ये थोड़ा बेटर लगा। ठीक है, वो खैर आपकी अपनी अपनी चॉइस है। एंड मैं बात करूँ कि अब सफारी का क्या सीन है ओवरऑल इस सेगमेंट में, सो आई थिंक जो पहले कंप्लेंट रहती थी वो अब दूर हो चुकी है, सारे फीचर्स इसमें आ चुके हैं, ओके, लोडेड हो चुकी है ये, तो डेफिनेटली अब एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन बोला जा सकता है इसको इस सेगमेंट में। बट मेरे अकॉर्डिंग टाटा सफारी इस सेगमेंट में थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल फील होती है। अगर मैं बात करूँ स्पेशली जो सेकेंड रो है उसकी मैं बात करूँ, उसको आप स्लाइड कर सकते हैं, आप स्पेस अपने अकॉर्डिंग अपने कम्फर्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो आपको इसमें मिलता है। सेकेंड रो में भी आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं, एंड कंफर्ट के मामले में तो काफ़ी सही मुझे लगी, स्पेस का अच्छा यूटिलाइजेशन हुआ है। तो आई थिंक अगर आपको प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा चाहिए, ओके, एंड आपको एक अलग वाइब चाहिए ना, तो रेड डार्क एडिशन डेफिनेटली आप देख सकते हैं। अदरवाइज आपको इसके दूसरे एडिशन ज़्यादा पसंद आ रहे हैं या जो नॉर्मल सफारी आती है वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज ये सारे फीचर्स अब आपको सफारी के एंटायर रेंज में मिलेंगे। सो ये था मेरा आज का रिव्यू, मेरे ओपिनियंस इस टाटा सफारी रेड डार्क एडिशन के बारे में। अब आपसे मिलूंगा एक नेक्स्ट रिव्यू में, एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।